कोकेर नाग में सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इस बीच में आतंकियों से एक बार फिर एनकाउंटर हुआ और इलाके में गोलीबारी सुनाई गई। इससे पहले शनिवार को आतंकियों के साथ कोकेर नाग में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो जवान शहीद हुए थे। सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। अनंतनाग जिले के एलान गगर मांडू के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर हमला बोला था, जिसके बाद जबरदस्त एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में दो जवान शहीद हुए थे और एक नागरिक की भी मौत हुई थी। एनकाउंटर के बाद आतंकी छिप गए, जिनकी तलाश करने के दौरान फिर एनकाउंटर शुरू किया गया। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के ऊंचाई वाले इलाकों में मिट्टी के घर में देखे गए चार आतंकवादियों के स्कैच जारी किए हैं। इन चारों आतंकियों को आखिरी बार मल्हार बानी और सियोजधार के ढोक इलाके में देखा गया था। पुलिस ने हर आतंकवादी पर कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले को 5,00,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ही आतंकियों की धरपकड़ के लिए कठुआ के जंगली इलाकों में तलाशी अभियान की भी यानी सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। कठुआ में 8 जुलाई को बातछेड़ी में सेना की गश्ती दल पर आतंकवादियों की ओर से घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग, किश्तवाड़ा और साथ ही उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। घाटी में सेना का ऑपरेशन बदला, घाटी में घुसे आतंकियों की तलाश तेज। सुरक्षा बल का ऑपरेशन क्लीन जारी। कोकरना, किश्तवाड़, बसंतगढ़, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग, किश्तवाड़ और उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तीन जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है। खबर है बसंतगढ़ में 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप है, जिसके साथ शनिवार को एनकाउंटर हुआ था। अब उनकी तलाश जारी है। Operation is still on and we are also investigating as to how these civilians were there nearby that terrorist group, that too in higher and forsaken area which is at a very higher reaches where general public is does not roam around. सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वही आतंकी ग्रुप है जो 6 अगस्त को हुई फायरिंग में शामिल था और इसके बाद वहां से भाग गया था। उधर अनंतनाग के कोकरनाग में भी सुरक्षा बल का ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में लगे जवानों का एक ही मिशन है, मिशन क्लीन। आर्मी और उसकी पुलिस की मिलके एक वहाँ पे एक ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर एक ऑपरेशन जारी हुआ था। वो कंक्लूड नहीं हुआ है, तो बीच का रिजल्ट्स में हमें ये पता चला है कि दो जवानों का शहादत हुई है और पर अभी भी जो है वो ऑपरेशन अनफोल्ड कर रहा है। वी स्टिल एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू गेट देम। घाटी में एक बार फिर हुई नापाक हरकत पर देश भर में गुस्सा है। शहीदों को देश नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सुरक्षा बल पर ही सवाल उठा दिए। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, नहीं समझता किसी भी मुल्क में इतनी फौज है, फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर घाटी पर जो दबाव पड़ा उसके चलते आतंकियों ने अपना शायद फोकस
इस तरफ शिफ्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति बदली है। उसका सार्वजनिक तौर पर तो उसकी व्याख्या नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ एक सप्ताह में इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाएगा। ये लगभग आतंक का आखिरी अध्याय है, लास्ट चैप्टर और लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये मिलिटेंस ऑन द रन है और भागते दौड़ते ये सॉफ्ट टारगेट्स को अपना निशाना बनाते हैं। इनका ये कहना कि हमारी सेना मिलिटेंट्स के साथ मिली हुई है तभी बॉर्डर से घुसपैठ होती है। सेना को हम सलाम करते हैं और हमेशा अपनी जान पर खेल करके उन्होंने जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाया है। उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से और पूरे देश को एक चीज़ प्रदर्शना करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो भाषा है उसका कोई प्रयोग ना करें। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ के ऊंचाई वाले इलाकों में देखे गए 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए हैं। इन 4 आतंकियों को आखिरी बार मल्हारबानी और सियोजधार के ढोक में देखा गया था। जिस तरह से सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ एक साथ अलग अलग मोर्चों पर घेराबंदी की है, उससे साफ है कि जल्द ही आतंकियों के मंसूबों को धराशायी कर दिया जाएगा। राहत देने वाली बारिश अब के बरस आफत बनकर बरस रही है। प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और अभी भी राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमान से बरस रही आफत, हर तरफ तबाही के निशान, धोरों पर बह रहा पानी, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। नदी नाले उफान पर, मॉनसून आफत काल बन गया है। हर दिन बारिश से जान गंवाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों के चेहरे खिलाने वाली बारिश इस बार प्रलय लाने पर उतारू है। बारिश के हालातों को देखते हुए जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर और डीग में स्कूलों की छुट्टी की गई है। जयपुर शहर में लगातार बारिश हो रही है। मुख्य शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। आवाजाही और विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। द्रव्यवती नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। द्रव्यवती नदी के हाल देखिए। राजधानी जयपुर के अंदर बारिश, झमाझम बारिश जो है वो देखी जा सकती है। पानी उफान के ऊपर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गापुरा स्थित ये जो द्रव्यवती नदी का जो नाला है, आप देख सकते हैं कि जयपुर के अधिकांश जो बारिश का पानी है वो इसी द्रव्यवती नदी से निकलता है। अभी हाल फिलहाल इस नदी के पुल के ऊपर करीब 2 फीट ऊपर से जो पानी है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे थे। न्यूज 18 की खबर के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन अब बड़ी मुस्तैदी से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ठीक सामने की ओर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है अब किसी भी तरीके से यहां से जो राहगीर हैं उन्हें नहीं गुजरने दिया जा रहा है। और दूसरी ओर भी जो लोग जो आ रहे हैं वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि पुलिस लोगों से लगातार समझाइश यहां पर कर रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि भाई आगे पानी भरा हुआ है, अपनी जान जोखिम में नहीं डाले। इधर प्रदेश की राजधानी में सड़कें समंदर बन गई हैं। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में बड़े हादसे भी हो सकते हैं। राजधानी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस वक्त टॉक फाटक खुलिया के पास में मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि बारिश से सड़कों के क्या हालात है, आमजन कैसे परेशान हो रहे हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही है कि राजधानी में बारिश के चलते हालात बेहाल है। देखिए बाइक्स एक एक इंच सड़क पे पानी भर चुका है। हालांकि अभी बारिश शुरू ही हुई है लेकिन इस तेज बारिश से लोग परेशान बेहद नजर आ रहे हैं। सभी स्कूल्स एंड कॉलेज